गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8th. एक्सरसाइज 11.4. एसपी दिया गया है, एमपी दिया गया है, एमपी दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, तो एसपी निकालना है. देखिए इसके कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसको देखिएगा. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, उसको याद रखिएगा. देखिए एसपी निकालने का फॉर्मूला एक ये है. दो मेथड होते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं या सीधे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला किसके लिए है, एसपी निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए. मान लीजिए आपको एमपी फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक, देखिए एक्सरसाइज जो दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, उसको डायरेक्ट मेथड से किया है. चलिए देखते हैं फॉर्मूला का यूज करके इसको कैसे यूज सॉल्व करेंगे. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क्ड प्राइस दिया है 7800 और डिस्काउंट 10%. इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे. देखिए फॉर्मूला हमारा ये है, हमें निकालना क्या है, एसपी निकालना है. तो एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. ये डी परसेंट का मतलब डिस्काउंट परसेंट अपान 100 है. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एसपी निकालने के लिए. एमपी हमारा कितना है 7800, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 10 अपान 100. ये हो जाएगा 7800 इंटू 100 में से 10 गया 90 अपान 100. तो 100 से 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो देखिए 98 जा 72, 7 कैरी हुआ, 9 7 जा 63 और 7 70 हो गया. तो मार्क्ड प्राइस हमारा, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारा आ गया, एसपी आ गया हमारा कितना, रुपीज़ 7020 यानी 7020 रुपीज. फार्मूले से आप ये वाला सॉल्व खुद से करिएगा. चलिए देखिए यहाँ मार्क्ड प्राइस निकालना है हमें, जिसमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, डिस्काउंट भी दिया गया है. तो हमें क्या निकालना है, इसका मार्क्ड प्राइस. अब इसमें भी देखिए एमपी निकालना है, इसमें क्या निकालना है, मैं मार्क्ड प्राइस, क्योंकि इस एसपी दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. जब हमें मार्क्ड प्राइस निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 100 इंटू एसपी, 100 इंटू एसपी अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, 100 सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 8554, ये हो गया हमारा अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 6%. तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, 8554 और 20 बढ़ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 में से 6 गया तो ये आया 94. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9100, 9100 ये इसका सेलिंग प्राइस था, सॉरी ये इसका मार्क्ड प्राइस है, सेलिंग प्राइस तो दिया गया, यही हमारा आंसर होगा. इसको आप खुद से करिएगा. ये वाला देखिए, इसमें टीवी का मार्क्ड प्राइस दिया है यानी एमपी दिया है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, और 18% का डिस्काउंट दिया गया है. तो इसका सेलिंग प्राइस यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे आपने किया था फॉर्मूले का यूज, एसपी निकालना है तो एसपी इक्वल टू एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद से करिएगा, क्योंकि देखिए ये सेकेंड वाले की तरह है, इसमें सेलिंग प्राइस दिया गया है जैसे इसमें, और डिस्काउंट परसेंट ना देके डिस्काउंट दिया है. तो इसका मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड करना है.
और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में ये फोर्थ तो आप कर लेंगे और फिफ्थ फर्स्ट सेकंड हो ही गया है। अब आप देखिए यहाँ थर्ड वाला, इसमें हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, हमें निकालना क्या है, डिस्काउंट निकालना है, कितने परसेंट डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूले पिछले जितने भी बताए गए थे उस पेज में वो उसको याद जरूर रखिएगा। एमपी माइनस एसपी, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हमारा कितना है, 4500 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 4365 है, इसको माइनस करेंगे तो 135 आएगा। डिस्काउंट निकल आया, देखिए डिस्काउंट निकल आया, हमें यहाँ डिस्काउंट नहीं निकालना है, हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अपान मार्क्ड प्राइस यानी एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट हमारा कितना है, 135 रुपीज़ है, अपान मार्क्ड प्राइस हमने शुरू में क्वेश्चन में ही दिया गया, हमारे क्वेश्चन में दिया गया 4500 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3%, 3% आएगा, और यही हमारा डिस्काउंट परसेंट होगा। डिस्काउंट क्या होगा, 3%, तो डिस्काउंट परसेंट 3, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेलिंग प्राइस दिया गया है और 12% का डिस्काउंट है, तो मार्क्ड प्राइस निकालना है, यानी एसपी दिया गया है, जैसे इसमें दिया था डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, तो हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो देखिए हमें इसमें मार्क्ड प्राइस, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये सारी चीज़ें दी गई हैं, मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको मार्क्ड प्राइस का बताया था, मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू 100 इंटू एसपी सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 100, एसपी कितना है हमारा, 21120, 21120 यानी 21120 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, 12%, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 21120, फिर 20 और बढ़ जाएगा, अपन ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 12, 88 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 24000, ये हमारा आंसर होगा। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का पार्ट ए खत्म होता है। थैंक यू सो मच।